बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त राजा और आज एक और न्यू अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ज़ोंग सिम पे 500 MB डेटा फॉर 6 मंथ के लिए हासिल कर सकते हैं। इस पैकेज के हवाले से, इस फ्री डेटा के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्तों ने जो है पोस्टर्स की हुई हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं जिन्हें पता है और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ये ट्रिक्स जो है नहीं पता और वो जो है पूछते ही रह जाते हैं, यार मुझे भी कोड बताओ, यार प्लीज़ ये भाई। लेकिन कुछ दोस्त जो है रियल में हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त जो हैं ऐसे ही फेक पोस्ट कर रहे हैं। तो मैं उन सभी दोस्तों को आज भी बताऊँगा कि आप किस तरह से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन ट्यूटोरियल है, वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ जिसकी मदद से आप जो है ये फ्री में हासिल कर सकते हैं। अब किसी भी बंदे को ज़रूरत नहीं है कि किसी दोस्त को कहे कि यार मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ। तो मैं एक सिंपल मेथड आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से जो 500 MB डेटा है वह आप हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक मेरा ये YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे YouTube के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसमें रोज़ाना IT एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आप मेरे YouTube के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो से आप आगा रह सकें। तो आइए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, आपने क्या करना है कि सिंपली आपने देखा होगा कि बहुत सारे दोस्त जो हैं आपसे यूज्ड पिन मांगते हैं कि भाई मुझे यूज्ड पिन दो और मैं आपको कोड जो है रिन्यू करके दूंगा। तो इसका मतलब ये, आप थोड़ा खुद सोचें कि आखिर कोई दोस्त जो है यूज्ड पिन मांग रहा है और उसे रिन्यू करके आपको दे रहा है, वो आपको नहीं देगा, वो खुद रिन्यू करके खुद इस्तेमाल करेगा। आप थोड़ी सी भी गूगल पे सर्चिंग लगाएं कि यार ये बंदा कैसे हासिल कर रहा है, आखिर इस बंदे के पास ये ट्रिक आई कैसे। ज़ाहिर है किसी इंफॉर्मेशन फॉरम पे IT दुनिया है, IT पैगाम है, IT तैलीम है और भी बहुत सारी जो इसमें इंटरनेट गूगल पे मौजूद है, जिस पे जो है ऐसी ऐसी पोस्टेस रोज़ाना होती रहती हैं जहाँ से हम मालूम कर सकते हैं कि ये कैसे हासिल किया जाता है। तो आप ख़ुद भी थोड़ी कोशिश किया करें, हर वक्त आपको जो है ना, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो पीछे लग जाते हैं कि भाई हमें बताएं यार ये करें, ये कैसे होता है। तो आप ख़ुद भी थोड़ी मेहनत करें कि ये कैसा होता है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ, उस पर मैं आपको जो है इसका तरीका बताता हूँ। ये नोटपैड मेरे सामने ओपन है। अब जो दोस्त हैं वो जो आपसे मांगते हैं कि यार मुझे जो है पिन कोड दें, जो यूज कोड है वो मुझे दें, हम ये इसे कैसे आपको रिन्यू करके देते हैं, हमें ये कोड बताएं। तो कोड जो है वो कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, 7 अल्फाज के कोड होते हैं जो जिसकी मदद से जो है ये बंदा करके देता है हमें। ये कोड होता है कि ये हम कोड है इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसे जो है कोड सेंड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के मोबाइल में जाते हैं, मोबाइल में जाने के बाद मैसेजेस में जाते हैं और इसके बाद क्रिएट अ न्यू मैसेज करते हैं। क्रिएट अ न्यू मैसेज में हम जो है इसमें टाइप मैसेज में हम जो है कोई भी 7 अल्फाज लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के मैं कुछ कोड वगैरह लिखता हूँ इसमें, ठीक है, 7 अल्फाज मैंने ये लिखे। 7 अल्फाज लिखने के बाद इसे जो है 4111 पे सेंड करना है, ठीक है, 4111, ठीक है, 4 उसके बाद 111, उसके बाद इसे जो है ज़ोंग सिम पे सेंड करना है। 7 अल्फाज जब हम सेंड करेंगे तो बहुत सारे दोस्तों के पास क्या होता है कि उनके पास जो है एक मैसेज आता है। कुछ दोस्तों के पास ऐसा आता है कि योर कोड, योर पिन इज़ यूज्ड, और किसी दोस्तों के पास ऐसा आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ऑफ़र, यानी कि ये कोड जो लगा रहे हैं वो इनकरेक्ट कोड होता है, करेक्ट नहीं होता है। तो मैं आपको सिंपली बताऊं कि किसी भी यूज्ड पिन की मदद से आप किस तरह ये बना सकते हैं, कि यानी कि जो यूज्ड पिन है उस पर हम ये किस तरह कोड को रिन्यू कर सकते हैं। अब ये देखें, मेरे पास ज़ोंग वालों का मैसेज आया है,
डियर कस्टमर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ऑफ़र, प्लीज़ कॉल 310 फॉर एनी हेल्प। यानी कि ये कोड जो है वो इनकरेक्ट बता रहा है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपके पास जब यूज्ड पिन आती है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक यूज्ड पिन है, वो मैं आपको दिखाऊं। यूज्ड पिन मेरे पास इसमें मौजूद है, वो मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। इसमें मौजूद है, नोट्स में जाता हूँ और इसमें जो है मेरे पास यूज्ड पिन मौजूद है। ठीक है, ये इसमें से कुछ यूज्ड पिन जो है मेरे पास मौजूद है। ठीक है, यूज्ड पिन इसमें जो है मैं कुछ इसमें लिखता हूँ, 4352253। ठीक है, ये जो है एक यूज्ड पिन है। अब इसको मैं दोबारा जो है 4111 पे सेंड करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। क्या है, 4352253। अब इसको 4111 पे मैं सेंड करके देखता हूँ कि क्या मैसेज आता है। ओके, मैसेज इज सेंडिंग। ओके, सेंड हो गया। अब ये वीडियो मैं ख़ास उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार हमें बताएं, यार हमें बताएं। तो मैं आप सभी दोस्तों को इसीलिए बता रहा हूँ कि आप खुद थोड़ी बहुत कोशिश किया करें। मैंने भी बहुत सारे दोस्तों से पूछा, यार मुझे बताओ, मुझे बताओ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है, किसी ने कहा कि यार इतने अगर रिचार्ज लूँगा, ये करो, फलां करो, ये करो। तो मेरा मतलब कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप खुद थोड़ी बहुत मेहनत करें। तो ये देखें कि सोंगवान वाले अभी क्या सेंड किया है। डियर कस्टमर, यूर पिन हैज़ बिन यूज। ठीक है, इसका मतलब ये पिन जो है ये ऑलरेडी किसी बंदे ने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये पिन जो है ऑलरेडी किसी बंदे ने यूज किया हुआ है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पिन को जो है कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कैलकुलेटर में जाना है। कैलकुलेटर में जाने के बाद इसे जो है आपने इस कोड को लिखना है। उसके बाद सिंपली आपने इसमें मज़ीद जो है इसमें ये लिखना है, 1000, उसके बाद 80। ठीक है, उसके बाद आपने ये रकम इसमें एंटर करनी है, 1080। ठीक है, इसमें जो है आपने 1080 मिलाना है, उसके बाद प्लस कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पिन क्रिएट हो गई। ठीक है, अब न्यू पिन जो आपने बनाई है, जो न्यू पिन आपके सामने आई है, तो उसे जो है दोबारा आप इसमें लगाएं। ये कैलकुलेशन फार्मूला है जो अभी मैंने आपको बताया है कि इस जो रीन्यू कोड के बारे में दोस्त कहते हैं कि रीन्यू कोड कैसे होता है। तो ये जो है मैं आपको रीन्यू कोड के बारे में बता रहा हूँ कि रीन्यू कोड जो है दोस्त इस तरह से बनाते हैं। रीन्यू कोड बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ फार्मूला इस्तेमाल करना होता है और उसके बाद उसमें जो है ओल्ड यूज्ड पिन पे करना है, उसके बाद इसमें जो है इंसर्ट करते जाना है। और जो आगे आपको खुद मैसेज आएगा कि अगर हमारा पिन कोड वर्क कर रहा है, तो हमारे पास मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली सब्सक्राइब 500 MB फॉर 6 मंथ। तो इस तरह से आप जो है इसमें इजीली कर सकते हैं। ओके, ये देखें, इसमें दोबारा से यही आ गया, डियर कस्टमर, यूर पिन हैज़ बिन यूज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसी तरह से इसमें मज़ीद जो है कैलकुलेटर में जाना है। ठीक है, कैलकुलेटर में जाना है और कैलकुलेटर में आपने जो है मज़ीद इसमें 1080 शामिल करने हैं। ठीक है, 1080। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक और न्यू पिन कोड क्रिएट हो गया। उसके बाद ये दोबारा न्यू पिन कोड इसमें इंसर्ट करें। तो मैं एक बार फिर से इसमें ट्राई करता हूँ कि ये कैसे होता है। ओके, तो इसमें मैं ये दोबारा सेंड कर रहा हूँ, ये सेंड हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं इसलिए वीडियो को लंबी कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली मैं गाइड कर सकूँ कि ये आप किस तरह कर सकते हैं। फिर बाद में कुछ दोस्त होते हैं, पूछते हैं कि यार ये कैसे किया आपने, हमें बताएं, ये करें। तो इसमें ये देखें, फिर से यही आ रहा है, डियर कस्टमर, यूर पिन हैज़ बिन यूज। यानी कि दोस्त जो है इस तरह से फॉर्मूले को आगे लेके 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 और जो ट्रिक्स है उसे हासिल कर रहे हैं और इसमें जो है अपने फ्री डेटा जो है वो हासिल कर रहे हैं।
तो यूज्ड पिन जो आप देखें कि सोशल मीडिया पे तो आपको बहुत सारे यूज्ड पिन जाते हैं, पिन मिल जाते हैं। जब आपके सक्सेसफुली आपको जो मिल जाएगी ये MB, तो आपके सामने एक मैसेज आता है कि यू हैव सक्सेसफुली सब्सक्राइब फॉर दिस ऑफर। तो इस तरह से मेरा कहना के मकसद कि आप इस तरह से जो है एक ट्रिक की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से आप एक न्यू पिन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो काम ना आए, अगर आपको कोई भी 500 MB डेटा वगैरह वो ना मिले, तो जो शर्त आप कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। और ये 100% वर्किंग ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने रात से जो है पहले इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, उसके बाद ही मैंने आप दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर की है। और मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से 6 GB फॉर 7 डेज़ के लिए हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप ये मेरी वीडियो से लाइक करेंगे, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब के चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।